खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर से हटाई गई पाबंदियां, आज से कुछ इलाकों में लैंडलाइन फोन सेवा शुरू हो सकती है। कश्मीर में सोमवार से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, शुक्रवार को सरकारी दफ्तर भी खुले, सड़कों पर भी दिखी चहल पहल। जम्मू कश्मीर के छात्रों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के तहत दाखिले की डेडलाइन 15 सितंबर की। भारत पाकिस्तान के रिश्तों की कड़वाहट के चलते थार एक्सप्रेस भी हुई रद्द, जोधपुर से पाकिस्तान जाती थी ट्रेन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों में सबसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कश्मीर घाटी में 11 दिन बिताकर वापस दिल्ली लौटे। राजनाथ ने कहा इशारों में कहा कि जरूरत पड़ी तो भारत परमाणु हमले को लेकर अपनी पहले इस्तेमाल की नीति को बदल सकता है। राजनाथ के बयान पर कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार परमाणु नीति पर अपनी स्थिति साफ करे। कल अयोध्या पर सुनवाई हुई, वकील ने नक्शों, तस्वीरों और पुरातात्विक सबूतों के जरिए राम मंदिर होने का दावा किया।